किसे मनाइए किस काली जय नाम, पहले उसे मनाइए जन रचो जमी अस, कि धरती माता तू बड़ी तोती बड़ो आकाश, देवन में माँ दुर्गे बड़ी जाको हिंगुलाज में, मेरी आ जा अरे भगवती रे देवा मेरी अरे जो व्यापे। प्यारे भाइयों, राठौर कैसेट के माध्यम से आप देखें मारुका गोना, जिसके मुख्य गायक कलाकार हैं मास्टर नेम सिंह कुशवा, मलखान सिंह कुशवा, भरत सिंह और भूरी सिंह, इसमें साथ दे रहे हैं जो आपके सामने राजा नल का काम करेंगे मास्टर सतपाल हजपुर वाले, हास्य कलाकार हैं अर्जुन सिंह, संगीत दे रहे हैं मास्टर होवर। तो दोस्तों, हमारी राठौर कैसेट के प्रस्तुत करता है अबलाख सिंह राठौर कुरावली वाले। तो दोस्तों, इन सभी कलाकारों की आवाज में देखिए मारू का गोना। जिस समय आपने देखा है नल की औखा में कि राजा नल ने पिंगुलगढ़ में औखा व्यतीत की थी, तो वहां बुद्ध के यहाँ उसकी लड़की से अली पलों में ढोल कुमार की शादी की गई थी। तो बहुत दिन हो जाते हैं ढोल कुमार की शादी को, राजा नल औखा व्यतीत करके अपने देश नरवर में चले जाते हैं, तो वो मारू जवान हो जाती है पिंगुलगढ़ में। उधर लाखा बंजारा पिंगुलगढ़ की फूल बाग में वहां पर आकर के रुकता है। यहां से हमारा प्रोग्राम देखिए सभी कलाकारों की आवाज में। यही बगीचा पर आवर छे, बगीचा में जावर छे, और क्या यही लोग मर छे। अच्छा, कुछ तुझ पे गावा आवर छे। अरे तू गाना छोड़ छे, और क्या सुनावर छे। अरे तो ले, हां मैं सुनावर छे। अरे पतरी के मेरी बैलू खाई गई ढोला मारू से, पतरी के पतरी कमरी बलो खाई गई झोला मारू से, पतरी कमरी अरे क्या केवर छे, क्या केवर छे।
अरे इक्का नहीं बैठू मैं तो मोटन नहीं बैठू छे जावर छे। जावर छे। एक बात का ध्यान रखवर छे। क्या? ये राजा का बाग होवर छे। हाँ। कहीं बैल कहीं बाग में जावर छे तो बहुत बुराई होवर छे। मार मार छे। हाँ मार लगवर छे। ना। हाँ। हिसाब से सोवर छे। चलवर छे। मैं तो सोवर छे। हाँ मैं देखवर छे। तू देखवर छे। आ जावर छे। आवर छे आ जा। बहन सॉरी ए सामान को महीना है इतना हुआ जालन को तो कचोरी सले का ते दूला दूला खावे आवे का ना आवे व्यक्ति मेरे आवे तो ना आए आवे सनू ने पूछ रही मैं हां तो आवत है सनू ने पे कह आई है कह दईए तोती का ना है खूब कह दईए ओ चोरी तू हां मोसे कह दईए आंगे हां गंगई गंगा कसम तेरे आवेंगे मैं की मत पूछे हां मैं तो फुर्सती ना हो कते भाई फुर्सत तुम्हारे को तो मिलेगी ना अबे सलाई ना आवे का जो ना आवे तुम्हारे की तो सारी बहन हाँ एक बात बताओ तुम का बात कर रही है आप सही में आप सही में हाँ तू का सुन रही सुन नहीं तुम्हारी बात के हमारे आंगे हाँ ना के वो आंगे हाँ तो बुरो खावे बुरो खावे ना आंगे दुनिया के आते हैं आदि को आंगे ने कहा हमेशा बता दे ना अरे को बता दे रिको ऐसी तुम पिछली साल बातें कर रही थी अरे मेरे दूल्हा हमारे पति आंगे बुरो खावे रहता करते हैं दूल्हा किन से कहते मैं तो जानती नहीं अरे तू का जान पति पति हाँ सी देखा था खसम हमारे खसम खसम अब तो जान गई बहना एक बात हमें बताओ हाँ हमारी कब आएंगे क्या मैं ऐसी रही है बहना हाँ एक बात बताओ हाँ हमारा ब्याह भाव के ना भाव अबे हमारा ब्याह भी ना हो तो हमारे काई को आएंगे अति तो न्यू करी हमारे आंगे खिलाएंगे देख जब हमारा ब्याह भी ना हो तो कैसे आ जाएंगे ब्याह तो तेरे बहुत ना पहले है वो का ब्याह मेरा हाँ तेरा अरे बहना काई को पागल हो गई तू गंगाई तू इतनी इसी सोवर में ही है वो ब्याह तो क्या मैं छोटी हाँ जब ही हमारी शादी हो गई एक बात बता बहना हाँ
जब हमारी शादी हो गई तो हमारी ससुराल कहाँ है? नरवर में। नरवर में? हाँ। तो माँ के हमारे पति का क्या नाम है? राजा नल के पुत्र हैं ढोल कुमार। राजा उनके साथ में तेरा विवाह हुआ था। ठीक है बहन। ले रोक रोक यार रोक ले। देखो आज तलक जब बचपन में हमारी शादी हुई थी। अच्छा। अभी तलक नहीं आए हमारे पति महाराज, ना हमने उनकी शकल देखी। और बहन हाँ। तू हमारे संग रही लेकिन तुमने ये बात नहीं बताई हमको। हम देख तोती बताते धोते हाँ। पर महाराज के डर के मारे हमने आज तक जिक्र नहीं किया। अच्छा तुमसे हाँ। तू सोबर में ही सोबर में तेरा पलरी पलर विवाह हुआ था। बहन हाँ। अब तुमने ये बात बताई तो तेरी कसम। अरे अब कहा तू न्यारो भाई। देख सुन ले हाँ। हमारे तो खा लोड़ भाइयों मते जी तो कई मन दियो कैसे ना। अरे ठंडो बहन हाँ। अरे ठंडी चले समीर री और उड़े दक्षिण वाचीर री और गोन करवे पति नया उठे फिरे की पीर री। ऐसा है सावन का महीना है ठंडी ठंडी हवा चल रही है झूला झूलो चलो फूला के लिए चलते चलो बहन आते को ये बगीचा कैसे गुजर रहा है। बहन देखो ये फुरे फुर नजर पड़ते हैं। ऐसा करो कि आप देख करके आओ फूलबाग के अंदर। चोरी चल तू पहले देख क्या तू पहले रोशनी देख क्या मैं इधर देखती हूँ। मैं किधर देखूँ
तू जा देख जा। अरे बहन तू क्या बात है, देख सही देख देख उतनी बदियां डोल रही हैं। अरे जिन्हें की है ऐसा करो इसको उठा जगाओ जल्दी से। बहन मेरी नहीं की बगिया है मैंने पहले क्या बच्चे को होशियारी सोबर छे तू सोबर छे और मैं भी सोबर छे। हमारी बहन मारू को बगी चाहिए। अरे चुल्ला मारे गुजारे रे पेरी फूलैया रे बगिया
वाले एक बात बताओ बाबा क्या केवट है आप नरवर के रहने वाले हो तो किसी को जानते हो हाँ, हम जानते अरे तुम का जानवा ढोला रे कुमार उसके पिता राजा ननकू उसको भी जान से हमें वो तुम्हारे रिश्ता में कौन लगे मेरा राजा नल बेटा लगता है अच्छा और ढोल कुमार नाती डगबर से तो कहा जोर की बिनती जो कर रही हमारी बाबा मुझे माफ कर हमने नरवर का नाम देवर छे इसलिए हमारे अरे तुम मत कहियो मेरे रे ससुर से ससुर इसके ससुर कौन है नल कौन लगबर छे हमारे ससुर साहब लगते हैं और ढोल कुमार तुम्हारा कौन लगबर छे मेरे पति हैं ऐसा कैसे होबर छे बतावर छे अरे तुम मत कहियो मेरे रे ससुर से तो मारू ने दिन हमें मारो का लगाए अरे मत घबराइयो तू दिल अपने मई बेटी आप किसी बात की मां चिंता मत कर बच्चे अरे मत घबराइयो तू अपने अरे पिटिया तो कौन रही रे समझाए हम नहीं खबर छे तो हम जावर छे अरे चिट्ठिया ले जा मेरी नरवर को काहे की चिट्ठिया हम ले जावर छे मैं आपको बताती हूँ बताओ देवर छे भैया अरे चिट्ठिया ले जा मेरी नरवर को तो मेरे दुल्हा को दियो पकड़ा है अरे बेटी तुम कौन रही रे समझाई अरे मत घबराइयो तू भूलई भागन है अरे तेरी अरे बेटी अरे तू काहे को घबराबर छे और हम तेरे माफ करना चिट्ठिया तेरी हम तेरे ससुर पे पहुंचावर छे कहे तो तेरे हम पति पे पहुंचावर छे हाँ मेरे पति को दे देना तेरे पति को दे देवर छे हाँ तो लावर छे अपना यानी तू कुछ लिखे सो लिखबर छे ठीक है मैं इस पत्र में लिखती हूँ लिखबर छे आवर छे हम सिद्ध श्री सवलाए लिखू उपमा भरियोग बने तुम रहियो और हम से दीन गरीब नकी पति भंगन हो लखे तुम और मैं अपने पति के लिए एक तोप और लिख देती हूँ इस तोप को पढ़ करके वो बहुत जल्दी से चले आए के पिंगुल गड़ को खारो पानी के दुल्हा त्यारी लच्ची गई जवानी दुल्हा लिख रही सूरज वंश और पत्र प
पढ़ के बैठे मत रहियो नहीं परे नीचा के। ए लो लाओ लेबर छे पत्र को समार के लखबर छे लखबर छे। अब हम जाबर छे। ठीक है मुझे माफ करना। नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत करो किसी बात की। तुम हम जाबर छे, हम कोई बात तुम्हारी नहीं कहबर छे। हाँ हम हाँ क्या कहबर छे। चल बच्चे मंत्री। मैंने कहा महाराज जयशंकर की। खुश रहो, ये बताओ हमारे राज और ताज के बारे के क्या समाचार हैं? महाराज आपके राज में सब आपके इनाम से जीते हैं, शेर और बकरी एक ही घाट पानी। ठीक है हमारा राम राज है, हमारे राज में कोई इंसान किसी बात की चिंता नहीं है, न कोई दुखी है, चैन हो रहा है, चैन अमन चैन राज हो रहा है। हाँ, कोई किसी बात की कमी नहीं है। कुर्सी लगाओ। ठीक है महाराज मैं अभी लगाता हूँ। महाराज कुर्सी आपकी लगी हुई। ठीक है आप डोरियों पर चले जाओ और जो कोई बसर आए उसे इज्जत के साथ कचहरी में पेश किया जाए। ठीक है महाराज मैं अभी जाता हूँ।
को है? हम बंजारे लाखा बंजारे हेवर छे। कहाँ से आए हो? बहुत दूर से महाराज। कहाँ हैं? महाराज कचहरियों में। उनके पास खबर पहुंचावर छे। अच्छा जाते हैं। महाराज कहिए डोलियों के क्या समाचार हैं? वो बंजारे आए। क्या बंजारे? हाँ तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ उनको इज्जत के साथ कचहरी में पेश किया जाए। ठीक है मैं अभी जाता हूँ। आइए चलवर छे। आओ महाराज आपके लिए प्रणाम है एवर छे। होश रहो। आज बड़े हमारे अहो भागे। बताइए आज हमारी कचहरियों में क्यों पधारे हो बाबा? पधारे क्या, हम बहुत बहुत दूर व्यापार करवर छे। ये बताओ वैसे धंधे में तो कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान कुछ नहीं बराबर छे न। हम कुरावली जावर छे। ठीक है। और बनारस जावर छे। अरे ये तो धंधे का काम है, इसमें कोई बात है? तुम तो से जाते ही हो। हम कोटा बूंदी जावर छे। ठीक है। मारवाड़ जावर छे। ठीक है वो तो ठीक। और पिंगुल जावर छे। पिंगुल खामोश हो जाओ। पिंगुल का नाम अपनी जबान पे मत लेना। क्यों? आपके ले लिया तो ले लिया। और वहां पे हम बतावर छे। क्या बात है? एक चिट्ठी आवर छे। एक बेटी ने चिट्ठी देवर छे। क्या चिट्ठी देवर से? हाँ। से का मतलब क्या है? ये परवर छे। लाओ चिट्ठी पढ़ो। तुमको मालूम है चिट्ठी को मैंने पढ़ लिया? पढ़ लिया मगर ये चिट्ठी नहीं है, ये बहुत बुरी बला है। तुमको मालूम नहीं, ये तो मुझको मालूम है कि जिस समय मेरे ऊपर 12 साल के लिए शनिचर आया, परिवार वालों ने फटकार दिया, मुझे ठुकरा दिया, किसी ने सहारा नहीं दिया। बाबा जब समय खराब होने के बावजूद मैं नरवर को छोड़ करके और अपनी रानी दैमंती को लेकर के चला गया, दर बदर की ठोकरें खाता रहा मगर कहीं ठिकाना नहीं मिला। उस समय मैं पिंगुल में गया और रघुनंदन तेली गया मैंने नौकरी की, अपनी मुसीबत व्यतीत की। उस मुसीबत में और मेरे यहां जो मेरा पुत्र है ढोल कुमार, उसने रघुनंदन के यहां जन्म लिया। मालूम है तुमको जिस समय राजा बुद्धथावा का रहने वाला उससे मेरे सार फांसे हुए, गर्भ की बाजू में वो मुझसे हार गया और मेरे यहां ढोल कुमार का जन्म हुआ, उसके यहां मारू का जन्म हुआ। बाचा में हारने के बावजूद बाबा उन लोगों ने भारी तूफान हमारे साथ में उठाए मगर फिर भी ढोल कुमार की शादी को मैंने मंजूर कर लिया। राजा बुद्ध ने कहा कि जाओ शादी जबी होगी जब मंडप पर लखिया वन से कारे गन्ना लाओ कटवा करके। कारे गन्ने जिस समय के अन्न तो मेरे लिए देखने के नहीं लिए नहीं मिलता था, उस समय मैंने खर का भोजन खाया, लखिया बन गया और लखिया बन में जाकर के दानों से संग्राम हुआ। मैंने लखिया बन में दानों का बीज नाट किया, सबको खत्म किया और दाने कटवा कटवा करके गन्ना दानों को लाया। दानों पर लदवा गई। दानों का राजा जिसको चूनामर कहते थे वो राजा बुद्ध के दरवाजे में चिनवा दिया। दरवाजे में? उस समय उस चूनामर दाने ने कहा कि राजा नल आज तू हमारे परिवार को नष्ट कर रहा है, किसी दिन तेरा पुत्र ढोल कुमार और मारू का गोना कराने के लिए आएगा, उसी समय मैं गिरूंगा उसके ऊपर और तेरे परिवार को नष्ट करूंगा। अगर इस बात की किसी तरह से ढोल कुमार को मालूम पड़ गया तो गजब हो जाएगा बाबा। ठीक है इस बात की किसी को मत कहना। नहीं बताऊंगा किसी को भी। निकल जाओ यहां से, बहुत जल्दी चले जाओ और फिक्र मत करना। आप महलों के लिए चलते हैं और चलकर के दैमंती से जाकर के कहेंगे और इस पत्र को दिखाएंगे, इस चिट्ठी में तो बहुत ही गजब है। अगर किसी तरह से लाखा बाबा ने किसी और से कह दिया
और पुत्र ढोल कुमार को मालूम हो गया तो मामला ज्यादा ही बिगड़ जाएगा। चलो मैं रुक लिए चलता हूँ। अरे प्राणन प्यारी दहमंती मेरी न कुजलद किवार ही। अरे रानी दहमंती किवार खोलो ना। महाराज के चरण दशिका प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब तलाक मैं दुनिया में जिंदा हूँ जब तलाक ईश्वर तुम्हारा दिन दूना रात सवाया प्रताप। भुजी पपिया की प्यासा पति के दर्शन भये भई मेरी पूरण आशा। प्राणनाथ दैमंती आज कैसे मेलों में आना हुआ? जब मैं बुलाया करती थी तब आप आया करते थे, आज बगैर बुलाए कैसे आना हुआ? कोई ऐसी बात नहीं है, अपने घर में आने में कोई परेशानी नहीं, मगर आने लायक एक काम है। फिर इतनी उदासी? इस कारण आया हूँ, उदासी का कारण ही बन गया दैमंती, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता। क्यों क्यों, जब बतलाओगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? दैमंती सुनो बतलाओ। एरी लाखा जानो अरे बाबा बंजारो दैमंत्री देख पत्र एक लाए हो। और इस कारण अरे कैसा परमाना मेरे दुल्हा तुम तो जन लाए से जन के खिलाड़ी जाई कु सुनियो ले दे देवार। अरे गल का पिंगुल तेरी प्यारी मेरी पात्र देखिया आए गए हो। क्या दर पिंगुल से? पिंगुल से याद है तुमको? ये तुम क्या सुनाते हो गलत पिंगुल से? अरे मारू री बहु ने री प्यारी मेरी पात्र भेजवा हाय रहो। ये हाँ ये दस्तकती है मारू के। कोई लाखा पंडित कोई लाखा बंजारो लायो री पत्र पूरी अपने साथ। लाखा बंजारा इस पत्र को लेकर के आया पिंगुल? ये पत्र नहीं है तो बेटा की निष्कान की इसी वजह से ही तो मुझे आना पड़ा है। क्या सुनाया? अरे इसको तुम हार देते तो बढ़िया रहते। सुनो तो सही, आए यहाँ पर तुम्हें इसी वास्ते तो आया हूँ मैं कि किसी न किसी तरह से अगर ढोल कुमार को मालूम हो गया तो समझ लो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। अरे पात्र तो न मेरे दुल्हा काल का निशानी, ये तो बेटा की काल की निशानी है प्राणनाथ। तुम क्या सुनाते हो? तुम तो मालूम है किसी को मालूम नहीं, मुझे आना ही पड़ा है। अरे काल का निशानी है दुल्हा अपने बेटा की पति नर बरवारे बरजे रे बिहाता प्यारी नार। अरे भेदो रे छुपा ले रानी मेरी तुम कहा बेटा से प्राणनाथ तुम्हें माल होना चाहिए बेटा के पीछे ना। अरे बड़ा बड़ी मुसीबत सही खर के भोजन खाए बुलवा रहे तुमने कोलू चलाओ बेटे न प्यारे कहाँ चले गए? मुझे याद है तुमने चूरा मंदाने को दरवाजे में चलवाए दे हुए बेटा ढोल कुमार निकलेगो वो टूट के गिरेगो। अरे बेटा ढोल कुमार मेरा खत्म हो जाएगा। अरे भेदुर है छुपा लो मेरी रानी ढोलरी कुमार से।
मती को बताओ मती। चोरन की प्यारी मानोरी हमारी दैमंती बात जानो या हम जाने। नहीं बेटा चला गया तो प्राणात में प्राण को त्याग दूंगी। नहीं दमंती, तुझे दुख है मुझे दुख नहीं है। जिस समय पुत्र धौल कुमार ने जन्म लिया उस समय मेरे पास कैसी कैसा समय था तुझे मालूम है? वो समय अगर याद आएगा तो कितना दुख होगा दमंती। मगर ठीक है, इस बात की किसी तरह से किसी से कहना मत। हाँ, किसी को मालूम नहीं पड़ पाए। इस वजह से जब 12 साल की औखा पर किसी ने बात तक नहीं पूछी, कोई किसी किसी का ने एक सिर आटा उधार तक नहीं दियो। प्राण मेरे बड़े बड़े फक फक आते जा बेटा के पीछे ला। इस पत्र को फाड़ दो। बातों को छोड़ जाओ। वो कहा है बनी बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दमंती दुश्मन हजार होते। उस समय हमारे ऊपर 12 साल के लिए शनिचर आया हुआ था, इस वजह से किसी ने सहारा नहीं दिया। मगर वो समय निकल गया, वो निकल गया। अब पुत्र धौल कुमार से इस बात की कैसे भी मालूम न हो जाए। बहुत अच्छा, ठीक है, मैं दरबार में जाता हूँ, तुम महलों में रहो मगर ध्यान रखो। जब प्यार का गुलशन तो मुझको याद कर ले।
मुझको याद कर चिरंजीव रहो स्वामी बैठिए स्वामी क्या बात है आज बड़े गजब की बात है तुम्हें तो कोई पता नहीं होगा ऐसा कौन सा गजब है तुम्हारे माता पिता तुमसे कोई बात को छुपाते हैं नहीं कभी नहीं छुपाते मेरे नहीं छुपाते अरे स्वामी मेरे माता पिता को बहुत प्यार है मैंने अपने कानों से सुना है आज पिताजी कह रहे थे माताजी से कैसा है कि इस चीज को छुपा लो कहीं बेटा को मालूम पड़ जाए और माताजी कह रही हाँ न मालूम क्या चीज है और तुम्हारे साथ में न मालूम क्या क्या अपघात करते हैं क्या तू देख नहीं पाई कुछ क्या चीज है नहीं मैंने देख नहीं पाया मैं कानों से सुन रही थी मेरे माता पिता ने तो प्रिय कभी कोई चीज नहीं छुपाई अकेला बेटा हूँ मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है नहीं स्वामी मैंने अपने छुपा रहे हैं तू झूठ बोलती है इस बात को नहीं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ सुनिए मैं आपको बताती हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोली आपसे आज झूठ बोलूंगी क्या मेरे माता पिता ने छुपाया है अरे अरे चोरी की लसकरिया बिनती और त्यारी कारी रही स्वामी क्या है तेरे हाथ रे चोरी की बलमा बिनती जानी करी रही मेरा बर के चौधरी चरणों में न भर रही रे प्यारे घबराओ मती मैं जाऊंगा पिताजी के पास क्या छिपाया वो हाँ। लेके छोड़ूंगा मांगू कह रही
अरे तुम्हें समझाई, अरे हाथ जोड़ी तेरी करती भी नहीं, अरे मेरे दिल को करारी बलामा। क्या बहरा करिए? आप जाइए। बहन का पिताजी के लिए नमस्कार। हो सर हो बेटा ढोल। माता जी के लिए नमस्कार। बेटा ढोल कुमार कहिए माँ। बेटा जब तक तुझे देख नहीं लेते हैं, जब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं आती मेरे लाल, तू कहाँ से आ रहा है? माँ मैं घूम करके आया हूँ। अच्छा घूमने के लिए जाता है? हाँ। कि बेटा जल्दी आया कर, आज तो तेने बहुत टाइम लगाया था। माँ आप कहते हो कि बेटा जिस समय तू आता है तो हमको तसल्ली नहीं आती है, लेकिन आज तो आपके पिताजी के भी चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, ना आपके चेहरे पर कोई रौनक है। अरे ऐसी बातों से तुमको मतलब? ए बता तुझे क्या मतलब है इन बातों से? क्या मतलब है बेटा? अरे तुम तो पढ़ो लिखो खेलो कूदो मस्त रहो। माँ वो माँ क्या जो बेटा से भेद को छिपाए? नहीं ठीक है। और वो पिता क्या जो बेटा से भेद को छिपाए? अरे तो मेरे लाल ऐसी बात क्या है ढोल कुमार, सो हम तुमसे भेद छिपाएंगे भला? कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं ऐसा हो सकता। मेरे तेरा ख्याल गलत है। कुछ बात सुना है? क्या सुना? क्या? अरे मेरे बाबू ने सुनियो ध्यान लगाए, अरे वो कहा चीज छिपाई तुमने भाई बेटा को दे दिख, ऐसी कोई चीज आपके पास? बेटा मेरे तो रहो समझाई, अरे ऐसी चीज कौन सी मैंने तो से छिपा नहीं रे न कदियो साच। ये बताओ सच को मुख से बताओ, ऐसा कोई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बता तेरा ख्याल तो बिल्कुल गलत है। आज तक मैंने आपसे ऐसी शब्द नहीं किए, आज क्यों कह रहा हूँ, कारण क्या है? नहीं नहीं बेटा तुम्हारा गलत ख्याल है। नहीं नहीं किसी ने तुझे बहका तो नहीं दियो माता जी? तू अकेले हमारा बेटा होती भला तो उसमें कोई बात छिपा सकते है? नहीं कभी मेरे बारे में नहीं छिपाया। देखो नहीं छुपा तूने, अभी नादान है। नहीं जाने क्या मालूम, बताओ जब हम छिपाएंगे तो किसके लिए छिपाएंगे हैं? वो करेंगे क्या, छिपा क्या करेंगे? कभी नहीं छिपा सकते। जो कुछ है सो तेरा ही है सब कुछ। बता जी बेटा कोई छिपा तो नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं छिपा, मेरे सर पे हाथ रख। आ रही मार रही कंटारी रे मैया मर जा मोरी नारा। तुम्हें कौन पड़ी रे पारा?
ये बताओ अरे हम तुझसे ऐसी बात क्या बता, जो कुछ है वो तेरा है, मेरा है और क्या है। अगर उस जो पत्र आपके पास आया है वो आपने छिपाया है उसे या तो दे दो और नहीं तो एक खंजर कैसे क्या कर ले प्राणनाथ, कोई बात नहीं दिखा दो। पिताजी तुम तो कहते हमने बेटा आज तक तो कोई चीज नहीं छिपाई। तो बेटा ये तेरे लाख क्या चीज है, ये तो दो बड़ी चीज है। बातें नहीं बेटा, चीज तो मेरी प्राणनाथ। ठीक है मैं तुम्हारे कहने को मंजूर करता हूँ मगर मेरा दिल तो नहीं करता। मैं बगैर बेटा के कैसे जीऊंगी, तुम्हें देखो बार बार खंजर खींच लेता है। लाओ पिताजी क्या है? नहीं मानता है, नहीं मान ले बेटा क्या करेगा, कोई चीज नहीं है। तू लाओ क्या है, अरे लाओ क्या है, अरे छोड़ बेटा। दमंती प्राणनाथ मैंने बहुत छुपाया मगर ढोल कुमार नहीं माना। दमयंती देखो पढ़ रहा है उसको, दमयंती अगर उसके मूड में कोई बात फिट हो गई तो समझ लो हमारे तेरे लिए रोना हो जाएगा। अरे प्रणनाथ दमयंती आज टूटी अरे प्राणों को त्याग दूंगी प्राणनाथ, मैं कैसे जीऊंगी। अभी तो मेरा पूरा पत्र ही पड़ा, मैंने पहले ही रोना पिटना शुरू कर दिया। ये तो पत्र कोई मामला ही दूसरा है। ओहो ये पिंगुलगढ़ से पत्र आया है, मारू बुद्ध की बेटी गौना। दरवाजा टूट कर मेरे बेटा पे गिरेगा। अरे नहीं दमयंती ऐसा कभी नहीं होगा, मैं समझाऊंगा, तुम भी समझाओ पुत्र, आखिर को कोई बात नहीं है मानेगा। आपने कही कि बेटा मैंने कुछ नहीं छिपाया है। बेटा ये पत्र तो प्राणनाथ पिताजी पिंगुल से आया है। ठीक है जो कुछ है वो सत्य है। मारू कौन है? मारू इन बातों से तुझे क्या मतलब, क्या करना तुझे? राजा बुद्ध की बेटी है ढोल कुमार और इसने तो मेरे लिए पत्र लिखा है। तेरे लिए पत्र तो लिखा है हाँ। मगर इन बातों से तुझे कोई मतलब नहीं। बेटा जैया दिल में चाप पलरी पलाले कुमारा किलाला तेरा करे लाए बबुला तेरा मेरा ब्याह। बेटा सोबर में बेटा तेरा अरे जननी और तेरिया
राज मोती भेद छिपायो मेरी फड़के मारू पिंगुल गड़म ही प्यारी को परमानो। देख ले मारू का परमान आया है, तुमने आज तक मुझे भेद नहीं बताया कि बेटी तेरी शादी कर ली है हमने। मेरे ढोला बेटा मैंने जाई छिपाया है, अरे गड़ पिंगुल कई बीच में मेरे बेटा तेरो लिखो है मेरे लाल। मेरा काल है बेटा, तेरा काल है, इस वजह से मैंने भेद छिपा लिया। और हमारे दूसरा कोई नहीं बेटा, जो कुछ है जो तू ही चिराग है, तू ही रोशन है, तू ही हमारे लिए जो कुछ है सो तू ही है मेरे लाल। पिताजी अरे तेरे घर में घरवाली मौजूद है, बता तुझे क्या मतलब है मारू। आज की बेटा एक और होता तो हम सब्र कर लेते, भेद को नहीं छिपाते। तुम तो सब्र कर, मैं कैसे सब्र करूं, खियान में गोना करने के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है मुझे दो उसको। नहीं बेटा तेरे पीछे ना बड़ी मुसीबत सही बेटा, तुझे कैसे जाने मैं गोना करने के लिए जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा नहीं, मानूंगा नहीं। अरे गीले में अरे सोई रे बेटा रस के वेश लायो। समझा दूंगा तुम बैठ जाओ। पिताजी बोल कुमार, माँ तो रोती है, ये बताइए ये कारण क्या है, कौन सी परेशानी है? कारण रोल कुमार, इसका कारण ये है कि जिस समय 12 साल की मुसीबत में हम पिंगुल में गए रघुनंदन सेठ से, और जाकर के हमारी मित्रता, हमने जाकर के उनके यहाँ नौकरी की। अच्छा, और उस मुसीबत में तुमने जन्म लिया। वहीं मैंने बेटा मुसीबत में हम सेठ जी के यहाँ रहे थे, वहाँ से लखिया मन को सर किया बेटा तेरे पीछे ला, वहाँ से कारे गांडे लाए, चूरामन दाना भी साथ था, उसे दरवाजे में चुनवा दिया था। उसमें ये शर्त थी, दाने ने बार बार ये कहा राजा नल तू मुझे दरवाजे में चुनवा रहा है, जिस दिन तेरा बेटा ढोल कुमार आएगा मैं टूटे हुए स्वर्ग करूंगा, तेरा बेटा ढोल होकर खत्म हो जाएगा, इस वजह से बेटा तू गौना करने के लिए जाएगा,
तू निकलेगा दरवाजा टूट कर तेरे ऊपर गिरेगा बेटा, इस वजह तुझे नहीं जाने देते। माता जी बेटा, जब वो दरवाजा मेरे ऊपर टूट कर गिरेगा तू मारू का घोड़ा पर कैसे होगा? नहीं नहीं बेटा, तेरे में 1000 रुपया कर देंगे। नहीं नहीं तो मैं तो जाऊंगा। तू नहीं मानता है तो मैं तेरी रेवा बहू को बुलाती हूँ। मार मैं समझा दूंगी। स्वामी क्या है? मैंने आज कुछ सुना है। क्या सुना है? बड़े दुख की कहानी है। बताओ क्या कहानी है? क्या कहूं, आप माँ से यानी क्या कह रहे थे? कुछ माँ से कह के आए हो? हाँ हाँ, कह करके आए। अपनी अम्मा से? गोना करने के लिए जा रहे हैं। कही तुमने? गोना करने के लिए जा रहे हैं। कहा गोना करने के लिए? नहीं। क्यों? मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। आपके लिए भारी भारी नुकसान नहीं है। ऐसा मत करो। तू तो रानी है, वो तेरी दासी बन के रहेगी, परेशान क्या है? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्यों जी बताओ, क्या बात तुम है? गोना करने जा रहे हो, ये बताओ मुँह में क्या कमी है? मुँह में कुछ कमी है? भाई तो कुछ तेरी सेवा करेगी। अच्छा, मैं कानी हूँ के बहनी हूँ के लंगड़ी हूँ? नहीं नहीं, वो तेरी सेवा करेगी, तेरी दासी बन के रहेगी। नहीं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊँगा। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊँगा, रुकूंगा नहीं। जाओगे तुम? हाँ बिल्कुल। न जाओ तो? जाओ तो? न जाओ तो? अच्छा तो तू रोकना। हाँ मैं रोकूंगी। रोकना तू। अरे जाना नहीं दूंगी मेरे बलमा, तुम कौन हो यारे कर रहा हूं। करा के लिए? हाँ ठीक। अब मेरा गोना कैसे होगा?
टेहूं क्या तोता, मैं करा के लाऊंगा आपका गोना। तू करा के लाएगा और क्या? अरे तोता मेरा है जाएगा देख रोलो, और तो समझूंगा असली पक्षी करवा दे तू ढोलक उमर को। महाराज आपका गोना मैं करवा के करवाएगा, मैंने सारी रास्ता देखी हुई है। तुम्हारे मेरे हाथ लाल है क्यों? कि देखिए मेरी बेचारी मारू फड़कती होगी। और भैया करहा महाराज, आज तुझे ऐसा सजाऊंगा कि तू ही मेरा गोला करवा सकता है, क्योंकि देश खराब है इसलिए। चलो महाराज हम तैयार हैं। चलो महाराज चलो। अरे करहा रे सजा दो भैया ढोल रे कुमरना, पलकी तेरे रे लगाई जाए। चलिए महाराज लगाई रे लाए, संग में जारो गंगा राम तोता, दादा सुनियो मेरी ध्यान लगाए। और कोई घड़ी के अबर सावे ढोला नरवर गलती ले जाए। बढ़ी गयो बेटा रानी तुम है की कहो, पंचो सुनियो मेरी ध्यान लगाए। चल भैया करहा। महाराज क्या है? मैं कैसे चलूं? मेरी पूछ पकड़ ली है मेरी बहन रेवा ने। पूछ पकड़ ली है? हाँ होता। हाँ महाराज पूछ पकड़ ली है। पूछा हाँ। ऐसा करो महाराज मेरी पूछ को काट दो। काट दू? हाँ। और क्या? अच्छा ठीक है। महाराज हे भगवान मेरे स्वामी चले गए मुझे छोड़ करके, हे प्रभु मेरे स्वामी की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। भैया तोता। महाराज देखिए अब ऐसा पहुंच रहा है क्योंकि मारू का गोना करना जरूरी है। अब करा दो बढ़ाओ और चलते हैं। चलो महाराज आगे। अरे भैया तोता। महाराज अब देखिए हम आगे चल रहे हैं। ये कौन सा शहर है? ये प्रेमगढ़ है। प्रेमगढ़ है? हाँ। तो ये पनिहारी पानी भर रही है? हाँ। चलो थोड़ा सा पानी पियेंगे और चलेंगे। चलो महाराज चलिए। पनहारी पानी भर रही है? हाँ महाराज। टेऊ टेऊ ऐसा कितनी सुंदर है। और पानी प्यास लग रही है बहुत जोर की। पानी पी लो महाराज। यही पियेंगे पानी और क्या। भाई हमें पानी पीना चाहते। मैं क्या इधर आओ। देखो जीजा जी आए हमारे तुम्हारे। कहाँ? तुमने देख रहे हैं जी सामने खड़े हैं जीजा। अच्छा जीजा जी बहुत दिन में आए जीजा जी। भैया अरे सुआ जीजा तो बहुत दिन में आए। ये साड़ी कहाँ से निकल आई? ये साड़ी है तुम्हारी? ये ऐसे साड़ी है? ये वो है तुम्हारी घरवाली उनकी बहन है ये रेवा की। हाँ रेवा की बहन है परेवा इसका नाम है।
अरे जीजा जी बोलो तो सही, अरे सेज के सिरे आने साली कब से और मेकर मेकर तो जीजा तारी और पेंट बन जाऊं, पेंट बन जाऊं के तेरे पैरों से लग जाऊं, पेंट बन जाऊं के तेरे जांगों से लग जाऊं। जी बोलो निकालो भैया कैसे निकाल के लाने चल चलो आ जा साली जी। हाँ ऐसा है क्या है? आपको पता हम कहाँ के लिए जा रहे हैं? कहाँ के लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पिंगलगढ़ के लिए। अच्छा तो गोला करने के लिए। अच्छा गोला करने के लिए हमें जाने दो। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। जाने नहीं दूंगी जीजा जी। क्यों नहीं? अरे हम कह दिया आपसे हम लौट करके आएंगे। जीजा जी जा तो जाने तो दूंगी मगर मगर जब उधर से आना तो घर पे होके जाना। हाँ बिल्कुल आप आएंगे लौट करके तो आप घर होकर जाएंगे। अरे भैया तो महाराज यार कहाँ तुमने चक्कर में डाल दिया? चलो तैयारी करो जल्दी से। चलो महाराज चलो बैठो कहाँ पर चलिए। महाराज तोता कहिए। देखिए अब सीधे पिंगलगढ़ के लिए पहुंचना है। चलो क्यों के यहाँ रास्ते में ये साड़ी मिल गई उसने रोक लिया। तुम देर करो मत जल्दी से चलो। अरे करहा बढ़ाना रे ढोली कुमारे। चलो महाराज अरे करहा बढ़ाना ढोली कुमारे पंचो
ये फूल बाग है। अच्छा यहीं विश्राम करेंगे। ठीक है करा। कहो महाराज। भैया देख जा बाग में करो तफरी और तोता तू घुस के काया फूल बाग में सपड़ी। मैं बाग में चले जाओ महाराज। तुम आराम करो और मैं अपने घूमूंगा इस बाग में। क्यों 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 हाय मेरी दैया सबरी सपड़ी खाए गए हो। आज तो तोता ऐसा बैठ गए हो क्या? आज दैया सबरी सपड़ी खुतर खुतर की डाक दी। अब मैं कहा करूं? अरे हरिया हरिया करती दिन जाए जन्म लियो मालिनी के। हरिया हरिया ए जो हरिया हरिया करती दिन जाए जन्म लियो मालिनी के। तोता भी आने जाने मीना भी आवी। तोता भी आने जाने मीना भी आवी। मेरो कौआ छे जो मेरो कौआ छे जिया घबराए जन्म लियो मालिनी। हरिया रे डो अरे भाई मालिन परदेसी ये बताओ आप कौन हो? मैं परदेसी हूँ। तुम बाग की मालिन है? हाँ मालिन हूँ मैं। ये बाग किसरा जाता है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं पूछना चाहता हूँ। ये राजा बुद्ध का है। राजा बुद्ध का है? हाँ। तो ये बाग जनाना है या मर्दाना है? ये बाग तो जनाना है। ठीक है राजा बुद्ध का बाग है ये। राजा बुद्ध का है? हाँ। तो मालिन क्या तुम्हें क्या मतलब है? तुम ऐसा कहो तुम जाओ। बाग में रुकना चाहते हैं। बाग में? हाँ। ये बताओ तुम रहने वाले कहाँ के हो? थोड़ी सी प्यास लगी है। प्यास लगी है? अच्छा तुम पानी पीने चाहते हो? हाँ इस बाग में रुकना चाहते। अरे कौन दिशा से हुआ त्यारो आबनो रे परदेसी। अरे परदेसी सिपाही कौन दिशन की रे सुरती लगाई। पानी प्यास हो पानी पिला दूंगी और मुझे पता बताओ। अरे बोले बे दिशा लते भया देरो मनोरी सुने मालिनी एरी सुने मालिनी की जाई। आरो जाई रे बाग की रे लसी मा दवाई। अरे जलदा निकल जाओ बागत रे परदेसी। अरे परदेसी सिपाही तुम्हें साची साची रहियो रे मिशा को बताई। निकल जाओ तुम यहाँ से। नहीं क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो हमें मार लगेगी। मालिन क्या है? अरे मालिन मालिनी सुनियो री ध्यान लगाए। एरी आदुरे रंगो जा फूलई बाग में।
क्या आप ही ढोल को मरो? हाँ मैं ही ढोल को मरूं। हैं? मैं ही ढोल को मरूं। नहीं मुझे विश्वास नहीं है। क्या नरवर के रहने वाले हो तुम? देश नरवर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ढोल कुमार है। ढोल कुमार है, चाहते क्या हो तुम? मैं पानी प्यासा हूँ, पानी पीऊंगा। पानी पीना चाहते हो? हाँ। तो एक बात है। क्या बात है? मैं मारू हूँ, मैं अभी पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए, आप मेरे हाथ का पानी पी लो। लाओ तो लेकर क्या हो पानी, मैं जा रही हूँ। अरे भैया दोस्तों, महाराज ये जो पानी पियाने के लिए आ रही है, हाँ ये कौन है? अरे मेरे सास के हो तुम, जोदू है रही हो? अरे हाँ क्यों? ये माल नहीं जात की, ये माल है? हाँ, इसके हाथ का पानी मत ही पीना। तो आने दो। ठीक है टेम। अजीला पीना बड़ा, तेरे हाथ का पानी नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियोगे? तू कौन की माल है और मारू बल करके आई है? नहीं मैं मारू हूँ। तू मारू नहीं है? मैं मारू हूँ। तू मारू बगल? मैं मारू। चल मारू है ये, अरे तेरी यादों में है सारी अरे दुनिया भुलाई, अरे आई 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 तेरी यादों आई, तेरी यादों में सारी दुनिया भुलाई, आई आई आई। पानी मत पीना। ले मैं पानी पिलाने के लिए आई हूँ, पानी पी लो। पानी पिलाने के लिए आई हो? हाँ। आप भी मारू हो? हम भी मारू हैं। ये नहीं है, ये मारू नहीं है। हम मारू हैं। ये नहीं है, कौन ये? मारू, मेरा ही नाम है मारू। बांदी है ये, बांदी बांदी है, बांदी है, मारू मगर भागा से। अरे भैया तोता, ये बता ये मारू है? ये भी मारू नहीं है। कितनी सुंदर है ये, मारू नहीं है ये मारू? हाँ सुंदर ही दिख रही है। ये कौन है? हे पागल हो रहे हो, ये मारू नहीं है, ये नहीं है मारू, ये पानी पी रहे हो। मारू की सहेली है ये, मारू की सहेली है? हाँ। और मारू बोल करके आई है? हाँ। नहीं मैं मारू हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मारू भाभी के पास चलना चाहिए, क्योंकि मेरे भैया ढोल कमर आए तो मुझे खबर करनी चाहिए। अरे भाभी, का कही भाभी? हमें बता तुम भाभी आई हो? चल चारी बहन, तुम्हारी भाभी कैसे लगूं मैं? अरे हाँ अबा, अब तो भाभी आइयो। अरे कैसे? हाँ, अब जेता हसो पहले खूब कछु बात के वैसे ही भई आ गए त्याए को भई। हां हमारा भैया ढोलक मारो, तुम्हारे भैया लगे हैं? हां अरे चौहान जा रहे भैया। अच्छा हां हमारा भैया ही है।
एक बात बताओ तो भाभी कहूंगी मैं। हाँ वो कहां पर आ चुके हैं? फूलबाग में। वो फूलबाग में? हाँ। ऐसा करो हाँ। क्या हमारा डोला सजा करके तैयार करो, मैं भी फूलबाग के लिए जरूंगी। बहुत अच्छा चल। तो वहाँ डोला तुम्हारा जाएगा। चलो 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 तुम्हारा। अरे बहन हाँ। देखो ये फूलबाग है। अच्छा आप बैठ जाओ, मैं उनके पास स्वयं जाऊंगी। ठीक है चलो बहन आ जाओ। बहन लाओ लोटा लेकर के आओ। ले ओ, अच्छी तरह पानी पिया गई हो। ठीक है बहुत दिन बाद आए। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। न मालूम कितनी मारूं है, जो आते हम मारूं है मारूं है। पानी पियो पानी पियो। कहूं कहूं महाराज सुन रहे हो? ढोल कुमार हाँ, आपकी मारू अब आ रही है। क्या वो मारू आ रही है? तो मारू आ रही है। ये मारू आ रही है? हाँ तो लाल 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 कमले। हाँ ये मारू है। यही तुम्हारी वो है घर समझ लो यार। इसकी तो शकल दूर से ही ऐसी दिखती है, चकचोना सब आ रही है। और क्या है, तो खुश कर दी इसने। देख लो टेऊ आने दो आने दो। आप मारू हैं? मुझसे मारू कहते स्वामी। तो पानी तो पियेंगे जब हम आए हैं, तो पानी जरूर पियेंगे। लेकिन ऐसे पानी नहीं पियेंगे। कैसे पियोगे? आपने कहा कर लो पानी पियो। हम भी अपने देश से वतन से आए हैं, कैसे पानी नहीं? अरे पानी जाने पी ले ओ नरवरिया, तुम फूलैया रे बाग अरे सत्तो दिखा मैं फूल रे बाग में,
मेरे लसकरिया रे भरतारा। से खींच करके पानी पिलाओ। अरे दीन दयाल सुने जब से तो सुने जब से और मन में मेरे में ऐसी बस की रे पिटरिया।
से देऊंगी रे पे भगवान, तुमने हमारी खूब लाज बचाई। मैं अपने पति को ये ठंडा नीर पिलाऊंगी। ठीक है, ए लो स्वामी। मैं समझ गया मारू, तू पतिव्रता स्त्री है, लेकिन लाओ मुझे पानी पिलाओ। महाराज क्या है, लाओ पानी पिलाओ। स्वामी, मैं आपको मेरा सत्ता जमाया था, मैंने आपको कच्चे धागे से कुआ से खींच करके नील लेकर के आई। मुझे तुम्हारा विश्वास एक बात और है। क्या बात? आप अपने कढ़ा को इस तेगा की धार पर नचा करके दिखाएं, जब मुझे विश्वास होगा कि तुम भी सच्चे ढोल को मरो। हाँ, यही तो कहना तेरा, और क्या। यानी तू अपने धर्म पर डटी है। हाँ, तो मेरा भी धर्म देखना चाहती है। बिल्कुल, कोई बात नहीं, तो मैं भी अगर सच्चा ढोल को मरू तो तुझे देख के ऊपर कढ़ा को नचा के दिखाऊंगा। दिखाओ भैया। कहता ये मारू कहती है। हाँ, कि महाराज मैंने तो अपने सत्य से कच्चे धागे से पानी भर दिया और पानी खींच करके तुम्हारे लिए पिलाने के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसे पानी नहीं पियोगे आप। कैसे पिएंगे? मैं आपको जब समझूंगी कि आप तेग की नोक पर अपने कढ़ा को नचाएंगे, जब समझेंगे। ठीक है, कढ़ा को बुला लो, नाच लेगा वो। तो वो नाचेगा कैसे, कैसे नचाऊं? अपनी नेक नाम ले लेना। किसका? दुर्गे माँ का। दुर्गे माँ का, और क्या। और तुम पिताजी के पास गए थे क्या? मेरे पिताजी तो दुर्गे का ही नाम लेते थे। हाँ, और वो ही नाम ले लेना तुम। ठीक है, ठीक। दुर्गे माँ ने तो मेरे पिताजी क्या दो बामनगर संग किए, और क्या। क्या बात है, दुर्गे माँ मेरे भी सहायता और क्यों नहीं करेगी। आए चादरी मैया, अरे ढोलई, अरे कुमार की। मेरी मैया और
करियो जलधरी सहाय, आज के करहा नचादा ढोलरे तुमर को हो। अरे जइयो मारू को सत्वी रे, दुर्गे माँ कहाँ सो गई? आइए बेटा। ये मारू अपना सत्य देखना चाहती है और मेरे करहा को नचाए तू आकर के। भैया ढोला ने दुर्गे लई बुलाए और लेके नाम दुर्गे मैया को ढोला अपने करहा रहो नचाए। ए धोरे ये देख मारू नाच रहा था। अब बोल तू क्या चाहती है? पति महाराज, हाँ। मुझे विश्वास है आप ही ले पियो। अब पानी पीऊंगा तेरे हाथ का, तेरे देख ला मिले। क्या है अब तेरा घोड़ा करके ले जाऊंगा? पति महाराज हमको अपने साथ लेवा करके ले जाएं, बहुत जल्दी से हमारा गौना कराएं। स्वामी बुलाओ सहेलियों को। मेरी सास के पैर छुवाएं। बिल्कुल छुलाएंगे आपकी सास के पैर। अपनी सहेलियों को बुलाओ और तैयारी करवाओ। अरे सहेलियों अपने जीजा जी से कर लो बात। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। तो घर मत कहना कुछ, कर लो। तुम बताए तक भेजा जीजा। कहिए क्या हो साली? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ में। सबको ले चलेंगे साथ। अच्छा हाँ। अरे हो जीजा तेरे संग चलूंगी चश्मा लगा के। हो जीजा तेरे संग चलूंगी चश्मा लगा। जीजा साड़ी लाया जीजी का जरा के। जो मेरो जीजा साड़ी लाया जीजी का जरा के। मैं पहनूं मेरो जीजा, और मैं पहनूं मेरो जीजा देखे चश्मा लगा। जीजा चोली लाया चोली जीजी को जलाए के। जो मेरा जीजा चोली लाया जीजी को जलाए के। मैं पहनूं मेरा जीजा के चश्मा लगा। क्या करे साली? जो मेरा जीजा साड़ी लाया साली जीजी को जलाए के। जो मेरा जीजा साड़ी लाया जीजी को जलाए के। मैं पहनूं मेरा जीजा देखे चश्मा लगाए के। मैं पहनूं मेरा जीजा देखे चश्मा लगाए। मेरा जीजा लड्डू लाया जीजी को जलाए के। जो मेरे जीजा लड्डू लाए जीजी को जलाए के। और मैं खाऊं मेरा जीजा को चश्मा लगाए के। और मैं खाऊं मेरा जीजा देखे चश्मा लगाए। पंडित का क्या सोना मिले तो साली क्या है? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ में। ले चलेंगे, ले चलोगे? हाँ। देखो मुझे नहीं लेके जाओगे तो तुम्हारी किस्म में मर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ले चलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। जो मेरा जीजा नथनी लाया जीजी को जरा के। जो मेरा
पहलू मेरे जीजा देखे जीजा चलो और ले चलेंगे। चलिए तैयारी करो दोपहर। मैं भी चलूंगी। तुझे मैं जरा सजवाज के कपड़े लेती पहन लूं। बढ़िया बढ़िया एकदम। और मैं भी चलूंगी। हाँ अब मुझे चलना चाहिए। क्यों कि जाकर के और राजा अब उससे कहूं जो अपनी बेटी की तैयारी कराए। सुनने वालों नजर अपनी थाम लो। अरे हिंदुओं को राम राम, मुस्लिम मेरा सलाम लो। खिलाए फूल गुलशन में, खिलाए फूल गुलशन में, गुलों पर रंग छाया है और ये भल्लो हाथ दामन से खुशी का वक्त आया। एक गुल वो होता है जिसे बर्बाद किया जाता है और एक गुल वो होता है जिसे आबाद किया जाता है। ओहो मुझे क्या कहना चाहिए, ढोल कुमार गोना कराने आया है। अगर ये गोना कर ले जाएगा तो मारू को ले जाएगा और मैं चाहता हूं कि मारू मेरे ही साथ होनी चाहिए। मुझे जाना चाहिए और महाराज को भड़काना चाहिए जिससे कि वो मारू का गोना करके नहीं ले जाए। ठीक है मैं चलता हूं। खुश रहो तारामल। इस समय और तो ठीक हो तुम? हाँ मैं तो खुश हूँ, आप भी खुश हैं? अरे खुशी का वक्त है, तुम्हें मालूम है क्या? खुशी का तो वक्त है कि ढोल कुमार और आए हुए हैं कल मारू का गौना करा करके मारू नरवर के लिए चली जाएगी। ओहो महाराज, अरे ये तो बड़ी खुशी है, बताओ तुम्हें कैसे विश्वास हो गया वो ढोल कुमार है? क्यों? अरे ऐसा अरे तो कभी नहीं हो सकता। नहीं ढोल कुमार ही नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ कि ढोल कुमार हो सकता है, कोई और है ये तो। इसके बारे में क्या किया जाए? देखिए असली ढोल कुमार जब ये माना जाएगा राजा नल का बेटा कि लखियावंत वो जीन मुल्क से चीर लेकर के आएगा दखनी। जीन मुल्क से दखनी चीर ला करके हमको दे दें ढोल कुमार? हाँ तो जब हाँ, ये माना जाए गौना करा दें इसके उनके साथ में। जब गौना कराना, जब ये मालूम पड़ेगा असली है। ठीक है आने दो उनको। अरे महाराज नमस्कार। खुश रहो ढोल कुमार। देखिए अब आगे आपके पिंगुलगढ़ में अपनी बेटी को विदा कराइए। ठीक है ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम बेटी की विदा कराएंगे। हाँ तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारे पिता ने हमारे लखियावन सर करके कारे घाड़े और पिंगुल में घर घर में बंटवा दिए। हमारे पिताजी ने? तुम्हारे पिताजी ने। और दानों एक भी दाना नहीं छोड़ा लखियावन में। इतने बहादुर के अंश से हम तो जब ही पहचान होगी कि तुम उसी बहादुर के ढोल कुमार हो। जीन मुल्क के लिए चले जाओ और दखनी चीर लेकर के आओ। बेटी दखनी चीर को ओढ़ करके जाएगी जब ही तुम्हारे साथ में विदा हो जाएगी। जब विदा होगी? जब ही विदा होगी। ये आपका कहना है? ये मेरा कहना है। और तुम जाओ जीन मुल्क चले जाओ, दखनी चीर ले आओगे और मैं बेटी का गौना तुम्हारे साथ में अच्छी तरह से करा दूंगा। महाराज मैं जीन मुल्क के लिए जाऊंगा और दखनी चीर लेकर के आऊंगा। ठीक है दखनी चीर ले आओ, बेटी का गौना कराऊंगा। ठीक है हाँ प्रिय सज्जनों, इधर राजा बुध ने कहा ढोल कुमार से कि ढोल कुमार हमारी बेटी का गौना जब ही होगा क्या आप जीन मुल्क के लिए जाओगे और दखनी चीर लेकर के आओगे। बेटी दखनी चीर को पहन करके जाएगी जब आपका गौना होगा। मैं जानता हूं ये मेरा साड़ू है भारामल और उस साड़ू ने मेरे ससुर को भड़का दिया। प्यारे भाइयों
ये ढोल कुंवर को मारने के लिए और न गौना होने के कारण ढोल कुंवर को जीर मुल्क के लिए भेजा जा रहा था। आगे की कहानी यह है कि देखिए ढोल कुंवर जीर मुल्क के लिए जाएगा दक्षिणी चीन लेने के लिए। जब वहां पहुंचेगा तो वहां की राजा की बेटी पचफूला और उसे जादू से पकड़ लेगी, भक्सी में डरवा देगी उसे। जब ढोल कुंवर हुआ फंस जाएगा, फिर कोई पेश नहीं जाएगी, तो फिर अपनी ताई मोतनी को याद करेगा। वहां वो मोतनी आएगी ढोल कुंवर को और जादू के बल से निकालेगी, जादू के प्रताप से उससे दक्षिणी चीर छिनाएगी। जब ढोल कुंवर को देगी, ढोल कुंवर उस चीर को लेकर के आएगा पेंगुलगढ़ में और भद को गाएगा जब गौना करके आएगा। तो ये कहानी तो प्यारे भाइयों आगे और ये जीर मुल्क की लड़ाई में आप सुनेंगे आगे के। यहां से सुने मारू का गौना। हाँ क्यों के हमसे कहा था हमारे ससुर जी ने कि बेटा गौना जब होगा जीर मुल्क के लिए जाओ और चीर लेकर के आओ, बेटी चीर ओढ़ करके जाएगी। हम ये चीर तो ले आए, अब चलते हैं कचहरी के लिए, उन्हें चीर देंगे और मारू का गौना कराएंगे। ढोल कुमार जो आपने अमानत मंगाई थी वो ढोल कुमार ले ला करके आपके लिए। ठीक है, तुम जीर मुल्क से दखनी चीर ले आए, हम बहुत खुश हैं आपसे। किसी बात की चिंता मत करो, अच्छी तरह से तुम बहुत बहादुर हो, जैसे तुम्हारे पिता थे जैसे ही तुम बहादुर हो। तुम्हारी बहादुरी पर हम बड़े प्रसन्न हैं। ठीक है, तुम जाओ महलों में और अच्छी तरह से दो चार दिन रुको और माड़ू की तैयारी कराएंगे हम, अच्छी तरह से गौना कराएंगे, किसी बात की चिंता ना करें आप। ये तो महाराज कोई बहादुरी नहीं है, ये चीज तो कुछ नहीं है। अरे नहीं, और भी कुछ होना वो भी करता। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है तुमको, अच्छी तरह से महलों में बोलो बतराओ, आनंद से दो एक दिन रुको और अच्छी तरह से विदा कराएंगे तुम्हारी। भैया करा महाराज, देखिए गौना तो होगा। अच्छा, क्योंकि हमने दक्षिणी चीज ला करके दे दिया। अच्छा, और तूने कहा कि महाराज मैं गौना कराऊंगा आपका। गौना कराऊंगा आपका महाराज, पर मेरी बात सुनते चलो, तुम मेरी पीठ में बैठे रहना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगा। क्यों? कि मेरे पिताजी ने ये कहा था कि बेटा तू मां मन जाए। मुझे क्यों रोका जा रहा है? इसलिए रोका जा रहा था कि दरवाजा में और चूरा मन दाना चना हुआ है। ये शर्त है उसकी कि जिस समय नरवर से ढोल कुंवर मारूंगा गौना करने के लिए आएगा, उसी दिन उसके ऊपर गिरूंगा, वो मर जाएगा और नरवर का नाम मिल जाएगा। ठीक है महाराज, मेरे पीठ में बैठे रहना और मैं चलता हूं। भैया कहा महाराज, देखिए मेरा गौना होना जरूर, अगर गौना नहीं हुआ तो बामनगढ़ में मेरे पिता की बात खराब हो जाएगी। ठीक है महाराज, मेरे पीठ में बैठो और मैं आपका गौना अवश्य कराऊंगा। हाँ महाराज, पीठ में बैठो। करा भैया। हाँ पीठ में तो बैठूंगा, एक बात सुन ले मेरी। करो तू देखियो बली बहन को परनु भैया, जा पिंगुला गढ़ में मारू कुमत विधवा बन। महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भैया मेरा देख जाय में सब होना लाज रहेगी, तेरे हाथ में
पीठ से मैं नहीं हटूंगा और चल मैं चलता हूँ, तू कहेगा जैसे करूंगा तेरे हाथ में। मेरी पीठ पकड़ते रहना। बिल्कुल पीठ तो गारंटी है महाराज, और पीठ यदि चल जाए फिर कोई मेरी गारंटी नहीं है। चलिए बैठो मेरी पीठ पर। भैया करा महाराज, देखिए तूने मेरे लाल बचा दी और अब मेरा गोला हो जाएगा। बोल दुर्गा मैया की जय। महाराज रानी। महाराज ढोल कुमार ने लो दखनी चीर भी ला करके दे दिया और अच्छा बेटी का अच्छी तरह से ढोला सजवाओ और खुशियां के साथ बेटी को विदा करो। बहुत अच्छा है। गाना बजाना होने दो। ठीक है ये भी अच्छा और हुआ। सखियों को बुलाओ, सजावट करवाओ बेटी की, अच्छी तरह से विदा कराओ, क्योंकि अपने घर जाएगी, ये खुशी का वक्त है। ठीक है सहेलियो। बेटी मारू। लो बेटी मारी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। लो पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। पहले चीर गोड़ बेटी। सहेलियो। हाँ। अरे लली की बुआ कहाँ गई? लली की बुआ। ओ लली की बुआ। ओए बिटिया। बुआ अरे आजा। कछुआरू सले। तुम्हारा कछुआरू सले। का बात है लली? छोरी की विदा है वे अकेले। विदा? कछु कह सुन ले। अरे बिटिया। बुआ जी। अरे मेरी लाली। बेटा भाई जा रही है। अरे बुआ। हाँ। छोरी को खूब समझा दियो। खूब समझा लूंगी बेटा। समझा दो बुआ जी, पति धर्म और समझा देना। और सब बताऊंगी तो। बात तो बता दियो बुआ। लली वैसी परेशान हूँ मैं। परेशान? क्यों परेशान है बुआ जी? ये बुआ जी तो लाली दीखा तो लाए। और बुआ जी? हाँ। क्या? अरे लली। हाँ। जे समझ ले जाद राते तेरे फूफा मरे। हाँ। बाद राते ऐसे अच्छे दिन आ गए मेरे ऊपर, अब लाश हुए वो मतलब बड़ी अच्छी तरीके से प्यार करते हैं मुझे। अच्छा। हाँ लली आजा मिल ले। जा रही है बेटा। हाँ, अबुआ मिल ले। आजा बेटा। अरे मेरी बिटिया ने गलती सी। बेटा। बुआ। हाँ लली। तुम क्यों रो रही हो? आजकल तो कोई रोती नहीं है, ससुराल के लिए जाती है तो। बेटा गाँव की तो सब रोवते। हाँ। मगर मुझे तो खुशी है। क्यों? कि आज मेरा गौना हो रहा है। अरे ला बेटा जी तो पुरानी चल्ला तो चली आ रही है। अरे बेटिया छोटी सी जब कितनी प्यारी लगती बेटिया। अरे बुआ। ओए बेटिया। अब कैसे होएगी बुआ री? अरे बेटा सब शंकर भगवान बेड़ा पार करेंगे। अरे बुआ मैं तो कछु जानत नाई बुआ रिया। अरे बेटा इन बात के कहूं स्कूल नहीं होते। बेटा मेहमान को आए। मेहमान लाने मेहमान समझ आया हूं मैं। ला जा रही हूँ।
मेहमान जी का क्या है? लाओ क्या दे? मेहमान जी का हाय मेरे कितने प्यारे मेहमान जी हुए लल्लू। हाँ। मेरी बिटिया छोटी सी ऐसी लगती रबड़ गुड्डा। हाँ। मेरी बिटिया परेशान मत करियो। मैं क्या परेशान करूंगा? ऐसो मत करियो, जहाँ तक है वो मेरी लली के हाथ में हथेला पकड़ा दो। मेरे यहाँ चाकी भागी नहीं है। और हाँ। चाकी भागी तो नहीं है। अरे मैं ये कह रही लली की अटैची छोटी है लल्लू। अच्छा। जा जोड़ी कपड़ा में छह जोड़ी नेमत रखे की कोशिश करी हो। मेहमान अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा लल्लू। हाँ। और मेरी लली जो कह ना क्या मेहमान सी का जो कह अजी पति महाराज बैठ जाओ। हाँ। तो मेरी बिटिया कहवे ते लोट में के इरादा कर लियो। अच्छा। हाँ। अरे लली बजा ले हो कछु गा ले हो। अरे बहन क्या अरे छोड़ियो ये कछु गा बजा ले हो विदा कर दे हो। आ जा री मिलने बेटिया। आ जा बेटिया। ए बुआ मुझसे क्या मिल रही है? इनसे मिलो। आ बेटी तो मिल रही अब तू मिल ले बेटा। अरे बेटी घरे बाबू लेके कुछ दिन का ठिकाना है। बेटा डांस भी हो लो। बेटी घरे बाबू भैया को ये क्या